जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का ये पार्ट 4 वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है पार्ट 1, 2, 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें हम लोग जानेंगे नरेशन में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इससे पहले जो है आप लोग को जो स्पेशल रूल है, मास्टर रूल है और जेनविक रूल है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसका वीडियो बन चुका है। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस का कंप्लीट वीडियो बन चुका है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस को, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा उसका सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसका पहचान क्या होगा। और देखिए यहाँ पे जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इसका पहचान जैसे आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखिए ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान हुआ क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे जैसे देखेंगे आप लोग, इसका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा इनवर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर जो होगा ये एक्जिक्यूटिव वर्ब हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग देखें तो यहाँ पे ये जो पोजीशन होता है इधर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलेंगे जी? इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ये जो होता है ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है जी? पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो देखेंगे ये आपका कॉमा इनवर्टेड कॉमा होता है, जिसकी पोजीशन पे हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को। जैसे सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो पोजीशन इधर वाला होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन होता है यहाँ पे से रहेगा, सेज रहेगा एंड सैड रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज करेंगे जी? तो ये हो जाएगा आस्क में उसके बाद आस्क में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों बदल जाते हैं। आ रहा है समझ में आप लोग को? अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखें ये जो सब्जेक्ट का पोजीशन है, अगर ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे फर्स्ट पर्सन रहता है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है जी? आई और वी आता है, ठीक है, आई और वी आता है। तो इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? तो इसको हम लोग यहाँ पर, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से आप लोग को जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव पे आए तो उसको कैसे क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आर यू माई फ्रेंड। देखिए यहाँ पे जैसे ये आप लोग को क्वेश्चन मिला, अब इसको हम लोग बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये जो हो गया ये पूरा आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। जिस तरीके से आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी तरीके से ये आप लोग को बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा का जो पोजीशन होता है, ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा के पोजीशन पे जैसे हम लोग प्रयोग करेंगे इफ या वेदर का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग देखें ये आपका सेकंड पर्सन हो गया और ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो गया। अब देखिए कैसे हम इसको बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे जैसे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ही आस का क्या हो जाए? सैड को आस में बदल लीजिए। यहाँ ये सैड को किस में बदले? आस्क्ड में, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी हो गया, ही आस्क्ड मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा का जो पोजीशन है, ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा का जो पोजीशन है जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रह रहा है तो इसको हम लोग किस में बदल लेंगे? इफ़ या वेदर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में बदल जाएगा? इफ़ में या वेदर में, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड पर्सन है, तो जब सेकंड पर्सन है तो इसको किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट उठ के जाएगा इस सब्जेक्ट के पोजीशन पे, तो सब्जेक्ट के रूप में बन के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही आस्ट में इफ़ उसके बाद क्या लिखेंगे जी? तो यहाँ पे आई लिखेंगे। और इज एम आर किस में बदल जाता है? वजवर्ड में। जब ये आस्ट सॉरी ये सैड जो है आस्ट में बदलेगा तो इज एम आर वजवर्ड में बदल जाता है। तो आई वज हो जाएगा आई वॉज हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन का बदलाव करेंगे। ठीक है, तो ये माई है आएगा सब्जेक्ट के पास ही है तो यहाँ पे ही जो हो जाएगा जी। उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रेंड लिख देंगे। ठीक है, और फुल स्टॉप। तो इस तरीक़ा से जब आपको फर्स्ट पर्सन दिया जाएगा तो उसको इस तरीक़ा से आप लोग को बनाना होगा। ठीक है, लेकिन एक और स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखिए, जैसे सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्सोडियम वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ पे इसको जब हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जैसे कि सेम उसी तरीक़ा से यहाँ पे ये साइड का पोजीशन रहेगा, जिसको हम लोग किस में बदल लेंगे, आस्क्ड में। ठीक है, और ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन, यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसके लिए तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे इफ़ ही कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट का पोजीशन है, जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था तो इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको बदले। लेकिन जब यहाँ पे सेकेंड पर्सन दे दिया जाए तो वो कैसे बदलेगा, तो यहाँ पे जब आपको सेकेंड पर्सन दिया जाएगा ना, देखिए जब यहाँ पे सेकेंड पर्सन रहेगा, सेकेंड और थर्ड दोनों यहीं पे ले लेते हैं। सेकेंड पर्सन जब रहेगा तो जब सेकेंड पर्सन में क्या आता है जी, तो यू आता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, तो थर्ड पर्सन में जो है यहाँ पे जो है ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, और इट हो जाएगा, और नेम हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड पर्सन में। तो जब सेकेंड पर्सन रहेगा तो इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी अगर थर्ड पर्सन दिया जाएगा, ये थर्ड पर्सन, तो इसको इधर कोई बदलाव नहीं होता है, यानी नो चेंज होगा। ठीक है, अब चलिए इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा मोहन सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे एम आई, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है तो यहाँ पे आर यू और गुड बॉय। ठीक है, गुड बॉय। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। जिस तरीक़ा से आप लोग को स्ट्रक्चर है, सेम उसी तरीक़ा से क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और सेम इसी तरीक़ा से आप लोग को बनाना भी होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और पूरा सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, और यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा है, जिसके पोजीशन पे इफ़ का प्रयोग हम लोग को करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बन जाएगा मोहन, और ये मोहन हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेड को किस में बदलेंगे, आस्ट में बदल लेंगे। ठीक है, किस में जी, आस्ट में बदल लेंगे। आस्ट मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे इफ़ का या वेदर का प्रयोग कर लीजिए। अब ये अभी हम आप लोग को बताएं कि जब सेकेंड पर्सन रहेगा तो इसको किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे जी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सेम ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट में मी है, जो बन के सब्जेक्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई हो गया। अब ईजे मार्क किस में बदलेगा, वॉज वर्ड में। क्यों, क्योंकि सैड आस्ट में यहाँ पे बदला है। ठीक है, तो आई वॉज तब क्या हो जाएगा जी, गुड बुआ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप लोग को जो है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो इस तरीक़ा से आप लोग को बनाना होगा। ठीक है, अब इसमें एक और टाइप है, जैसे कि यहाँ पे उस टाइप को भी देख लीजिए, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो WH वर्ड से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे उसका स्ट्रक्चर काम करता है, उसको भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जैसे कि जब यहाँ पर WH वर्ड ये आप लोग का रहेगा, ठीक है, तो जब आपको यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद जो है यहाँ पे WS वर्ड प्लस एक्सोडियम वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखें WH वर्ड जब रहेगा ना, WH वर्ड जब रहेगा यहाँ पे ये WH वर्ड, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और पूरे सेंटेंस की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा का जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो WH वर्ड है, यही WH वर्ड यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा और ये काम करेगा सेम यूज़ ऑफ WH वर्ड, ठीक है। यानी जो WH वर्ड होगा उसी का प्रयोग हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए बाकी जो फंक्शन है सेम ऊपर जो स्ट्रक्चर हम दिए हैं उसी तरीके से काम करेगा, लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का जो पोजीशन है वो सेम यूज़ ऑफ WH वर्ड, यानी जो WH वर्ड रहेगा उसी का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ इसको हम बनाते हैं तो ये आप लोग को इस पर क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद रहेगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग देखें कि यहाँ पे ये व्हाट है, ठीक है। ये जब व्हाट है तो व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को WH वर्ड आ गया, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने का जो तरीका है यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसको बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हो जाएगा, ठीक है। ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे सेम यूज़ ऑफ WH वर्ड, यानी जो WH वर्ड है उसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट हो जाएगा, व्हाट, और ये सेकेंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है जी, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास आएगा और ये उस पोजीशन में जाएगा योर नेम, ठीक है। तो योर के पोजीशन में जाएगा तो माई हो जाएगा ना जी, तो यहाँ पे माई, माई नेम, ये जो एजएमआर किस में बदल जाता है, वज वर्ड में, तो ये वज हो जाएगा, माई नेम वज, यानी ये इज जाकर के उधर किस में बदल जाएगा, वज में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग देखें जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फंक्शन इस तरीक़ा से काम करता है और इस पर रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है जैसे इंपरेटिव सेंटेंस रह जाएगा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रह जाएगा, ठीक है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसमें जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव एंड और उसके बाद इंपरेटिव, ये तीन सेंटेंस जो है इसको अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।